हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, टेकन 8 का योशीमित्सु का ट्रेलर भी आ चुका है, और मेरे हिसाब से यार ये ट्रेलर इन्होंने पहले रिलीज़ कर देना चाहिए था, क्योंकि यार योशीमित्सु है एक फैन फेवरेट कैरेक्टर, और इसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। हर गेम में योशीमित्सु का डिज़ाइन जो होता है वो चेंज होता है। अगर ये पहले रिलीज़ हो जाता है गेम, तो थोड़ा और हाइप रहती है इस कैरेक्टर की, क्योंकि इस योशीमित्सु का डिज़ाइन हमें पहले भी देखने को मिल गया था सीजी रेंडर में, और इन्होंने कुछ ट्रेलर्स में योशीमित्सु को घुसेड़ने की कोशिश की थी, जिससे हमें पता चल गया था योशीमित्सु कैसे दिखने वाला है टेकन 8 में। लेकिन अगर ये चीज़ ट्रेलर के थ्रू होती, अगर हमें ट्रेलर के थ्रू पता चलता कि योशीमित्सु ऐसा है टेकन 8 में, तो यार काफ़ी एक्साइटिंग रहता, वो काफ़ी हाइप बन जाती। मतलब एक तरीके से हम वेट कर रहे थे योशीमित्सु का कि यार वो कैसा होने वाला है, उसका ट्रेलर कब आएगा। और उसका ट्रेलर कब आया, जब हमें ऑलरेडी उसके डिज़ाइन के बारे में पता है, ऑलरेडी हम जानते हैं उसके बारे में कि कैसा दिखने वाला है। सो मेरे हिसाब से यार इन्होंने अच्छा नहीं किया, योशीमित्सु को ट्रेलर इतना लेट रिलीज़ नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से पहले कर देते तो अच्छा रहता, क्योंकि यार जैसे कि मैंने बताया, हर गेम में उसका डिज़ाइन चेंज होता है, और हम काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कि यार अगले गेम में वो कैसा दिखने वाला है। सो जो भी है, टेकन 8 का योशीमित्सु का ट्रेलर आ चुका है, और देखते हैं यार टेकन 8 में योशीमित्सु कैसा है। देखते हैं यार इसकी टैगलाइन क्या है, मतलब मेरे हिसाब से क्या हो सकती है। साइबराइज्ड निंजा, जो कि उसकी पहले भी थी, मैंने इसकी विकी वगैरह पढ़ी थी जब मैं इसकी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा था, हिस्ट्री ऑफ योशीमित्सु। सॉरी, ऑडियो बंद थी। सो अगर आपको योशीमित्सु की हिस्ट्री जाननी है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, वीडियो में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, वहाँ पर आप वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो योशीमित्सु की हिस्ट्री। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट बैटल, मैकेनाइज स्पेस निंजा। बढ़िया, और इसका डिज़ाइन यार काफ़ी बढ़िया टेकन 8 में, जैसे कि हमने मैंने बताया था। योशीमित्सु रेडी फॉर बैटल, योशीमित्सु डज माय ब्लेड थर्स्ट फॉर योर लाइफ। और जैसे कि मैंने बताया, डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है, ऐसा लग रहा है टेकन 3 से इंस्पायर्ड है, क्योंकि टेकन 3 में भी इस टाइप का डिज़ाइन है, और थोड़ा उन्होंने थोड़ा ओवर डिज़ाइन कर दिया इसको, थोड़ा फ्लैशी बना दिया। ओह, इस कैरेक्टर, इस स्टेज में ऐसे स्पेस, ऐसी वॉल है क्या? तो इसका स्वॉन एनिमी भाई, आई शैल एवेंज माई फॉलोअर्स। जैसे हमें पता है इनके बीच क्या रेवल भी चली, प्रिपेयर फॉर डिफीट। अगर आपको जानना है यार इन दोनों के बीच क्या बीफ चल रही है, क्या रेवल भी चल रही है, तो यार आप चैनल पे जाकर देख सकते हो मेरी वीडियो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके योशीमित्सु की कंप्लीट हिस्ट्री, आपको पूरा समझ में आ जाएगा योशीमित्सु क्या है। वो इसने इसकी हेल्थ कंज्यूम की क्या अभी, ऐसा मुझे देख के लगा। और यार इसके इफेक्ट्स भाई, स्लैश के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं रेडिश, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। रिजाट माई स्वान एनिमी, भाई डिवाइन जस्टिस, मजा आ गया, तगड़ा रिजाट। कर्स्ट ब्लेड योशीमित्सु, सप्रेस योर सेल। नाइस यार, बढ़िया था। योशीमित्सु का ट्रेलर देख के मजा आ गया, इसको फिर से देखते थोड़ा। जैसे कि मैंने कहा था, कुछ मैकेनाइज्ड निंजा टाइप की होगी इसकी टैगलाइन, तो वही निकली। और डिज़ाइन भाई, जैसे कि मैंने बताया, ओवर द टॉप डिज़ाइन है, एक टेकन 3 को एकदम अपडेटेड वर्जन लग रहा है, और काफ़ी इविल टाइप का लग रहा है। वैसे तो हर गेम में इविल ही लगता है योशीमित्सु। डज माई ब्लेड थर्स्ट फॉर योर लाइफ। और अगर आपको पता नहीं कि ये सब ये क्यों कह रहा, तो यार योशीमित्सु जो है इसकी ब्लेड का नाम है, और एक टाइटल है योशीमित्सु, और हर बार योशीमित्सु जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है। अगर आपको पूरी हिस्ट्री जाननी है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है इस पर, मैं बार बार नहीं कहूँगा, मुझे शायद 3 बार बोल दिया था, बट आप देख सकते हो इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, देखनी चाहिए वीडियो। आई शैल अवेंज माई फॉलोअर्स। और भाई टेकन 8 में ये तो सही है, तो जो राइवलरीज है उनका रेफरेंस है हर जगह। मतलब आपको याद होगा स्टीव और हॉरेन की जो राइवलरी थी टेकन 5 के इंट्रो में दिखाई गई थी, वो हमें इन दोनों के इंट्रैक्शंस में भी देखने को मिली टेकन 8 के, क्योंकि एक तरीके से भुला दी गई थी वो राइवलरी। मतलब टेकन 5 आज से 2000 कितना है 2005 में आया था टेकन 5 या 2004 में, भाई ऑलमोस्ट 20 साल पहले, तब से लेके अब तक
हॉरेंग और स्टेज की रेवलरी का कोई रेफरेंस नहीं था, सिर्फ टेकन 5 की ओपनिंग में देखने को मिली थी और टेकन 8 के कैरेक्टर इंटरेक्शंस में हमें फिर से देखने को मिली और काफ़ी अच्छा लगा वो देख के। और भाई ये देखो इसका रेज आर्ट काफ़ी बढ़िया, अरे ये ब्लेड से मारा और ये कौन सी जगह पे लेके गया इसको, ये जगह मुझे ये जो बैम्बू वाला फॉरेस्ट है टेकन टैग 2 की योशीमित्सु या फिर कुनीमित्सु की एंडिंग थे वो मुझे ढंग से याद नहीं है किसकी थी एग्जैक्टली, बट ये वहाँ लेकर गया इसको और चारों तरफ से अटैक किया और भाई रेडिश ब्लैक एंड वाइट जो पीछे बैकग्राउंड है और रेडिश टाइप का इफेक्ट आ रहा है काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। और ये फाइनल ब्लो डिवाइन जस्टिस और ये भाई ब्लड इफेक्ट ऑल ओवर द स्क्रीन, ये ब्रायन से ब्लड निकलता हुआ काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसका रिजॉर्ट। टेकन 7 में भी बढ़िया था यार योशीमित्सु का रिजॉर्ट और टेकन 8 में भी बढ़िया, कर्स्ट ब्लेड योशीमित्सु सप्रेस योरसेल्फ। तो यार इसकी ब्लेड बुरे लोगों की खून की प्यासी है, बुरे लोगों को मारना चाहती है, क्या पता टेकन 8 में योशीमित्सु ही काजुया को मार दे ऐसा होगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट लेट्स सी व्हाट हैपन। सो गाइस यही था योशीमित्सु के ट्रेलर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना।